नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज आप लोग को ये बताना था कि हम लोग को कितना पैसा आया है। आज पहला ट्रांच पैसा आ चुका है, फर्स्ट राउंड पैसा है और सेकेंड राउंड भी लाइनअप है ना। तो कितना पैसा आया है, तो हम लोग हमेशा रिपोर्ट कार्ड आप लोग को जारी करते हैं, तो सोचे कि इसमें भी आपको बता दें। और मकसद ये नहीं है कि कुछ, मतलब ऐसा बड़ा चीज़ मकसद नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम लोग दें। पर पहला दोनों ट्रेंच जो पैसा आया है, जो पहला राउंड आ चुका है और जो सेकेंड राउंड अभी लाइनअप है, वो पैसा हम लोग इसलिए आप लोग को देना चाहते हैं क्योंकि अभी माथे पर 67th BPSC का एग्ज़ाम है। और जब हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया है, बहुत ही एक पवित्र मकसद से स्टार्ट किया है। जो आप लोग पुराने लोग एसोसिएटेड हैं, हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया था कि बिहार का कोई रेड़ी वाला हो, पटरी वाला हो, ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, कोई कारपेंटर हो, कोई मजदूर हो, अगर उसका बच्चा ये सपना देखता है कि वो डिप्टी कलेक्टर बने, तो उसको इस चीज़ का मलाल नहीं होना चाहिए कि हमको मास्टर सही नहीं मिला। उसको देश का प्रतिष्ठित संस्थान से, देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ व्यक्ति पढ़ाए, देश का सबसे प्रतिष्ठित PSU महारत्ना में और नौरत्ना में काम करने वाला व्यक्ति उसको पढ़ाए, कोई उसे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, जिसको UPSC ने ठप्पा लगा कर दिया है, वैसा मास्टर पढ़ाए, देश का सबसे बड़ा जो बिजली उत्पादन कंपनी है उसमें काम करने वाला व्यक्ति उसको पढ़ाए, देश के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में काम किया हुआ व्यक्ति उसको पढ़ाए, ताकि उसको इस चीज़ का मलाल नहीं हो कि हमारा जो मास्टर है वो ठीक नहीं मिला, नहीं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते थे। और हम लोगों ने बहुत पवित्र इंटेंशन से स्टार्ट किया है, विश्वास मानिए, हम लोग का चैनल छोटा जरूर है पर हमारी नीयत बहुत बड़ी है, हमारा नीयत बहुत विशाल है और नीयत एकदम पवित्र है। और हम लोग छोटे छोटे मूल्यों पर इस चैनल को नहीं बेचेंगे, इसको लंबा ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का आस बनना चाहते हैं जो होपलेस है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, इसके पीछे मात्र एक कारण है कि 67th BPSC में ऐसा हम लोग पाते हैं कि कोई औरंगाबाद का आदमी है, उसको फेंक देता है अररिया। अब मानते हैं कि कोई लड़की है और उसको अररिया फेंक दिया, लड़का तो प्लेटफॉर्म पर सो जाएगा, लड़की प्लेटफॉर्म पर नहीं सोएगी। अगर आप कोई ऐसी लड़की को जानते हैं कि फाइनेंशियल उसको प्रॉब्लम है, अभी वो हम लोग से अप्रोच करेंगी। आप लोग का स्टूडेंट का टीम रहेगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और जो हम लोग के स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उन्हीं का 5 लोगों का हम लोग एक टीम बनाएंगे। 5 लोग लड़का का टीम रहेगा और 5 लड़कियों का टीम रहेगा। अगर आप लड़की हैं तो डायरेक्टली आप इनसे अप्रोच करेंगे, ये हम लोग को बोल देंगे, 2 मिनट के अंदर हम आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, सीधी सी बात। जो लड़का है, ताकि एक थोड़ा सा यही जो आपके साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं यही आपको जज कर लेंगे, कि ऐसा नहीं कि धोखाधड़ी भी होता है, थोड़ा बहुत दो तीन बदमाश सामाजिक तत्व तो रहते ही हैं, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल लोग के पास रीच करना चाहते हैं। तो आप स्टेशन पर नहीं रुकेंगे, आप जाकर अच्छे से होटल लेकर रुकेंगे और आप एग्जाम देंगे। दूसरा है कि बहुत लोग ऐसे हैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड को, जिसको हम लोग जानते हैं कि जिनको आने जाने में दिक्कत होगा, ट्रेन से आएंगे, बस से जाएंगे, भाड़ा का दिक्कत होगा, निसंकोच भाव से आप टेलीग्राम ग्रुप में, ये जो 4-5 लड़के रहेंगे, ये 4-5 लड़कियां रहेंगी, इनको बस आपको DM कर देना है, 2 मिनट के अंदर हम लोग आपको फ़ोनपे या पेटीएम कर देंगे, जितना हम लोग के पास पैसा आया है वो कर देंगे। पहली बात ये, अगर मानते हैं कि आप किसी स्टेशन पर गए हैं, मानते हैं कि आपको बेगूसराय दे दिया है, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप स्टेशन पर कोशिश मत करिएगा सोने के लिए। आप BCW से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, तो आप इमीडिएटली इन लोगों से कॉन्टैक्ट करिएगा और जो भी पैसा रहेगा तुरंत आपको हम हाथों हाथ ट्रांसफर कर देंगे, जितना पैसा रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक हो सकता है सेकेंड राउंड में हम लोग का पैसा आ ही जाए, है ना। अब प्रश्न उठता होगा कितना पैसा आया, आप तो इसमें इंटरेस्टेड होंगे नहीं, आपको लग रहा होगा कि पहले ये बताओ कि कितना पैसा आपको आया। देखो भाई, YouTube का कुछ नॉर्म्स होता है, YouTube के नॉर्म्स में क्या है कि हम लोग YouTube को, हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, तो उस नॉर्म्स को वायलेट नहीं करेंगे। तो YouTube का कुछ नॉर्म्स होता है, पर पता नहीं मेरे पास कुछ पैसा आया है जो अनअकाउंटेड मनी है, पता नहीं कहां से आया है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो देखो यार, ये सब तो डेबिटेड पैसा है ना, ये सब डेबिट हुआ है मेरे अकाउंट से, ये भी डेबिट हुआ, पर कुछ पैसा पता नहीं क्रेडिट हुआ है, अब पता नहीं कहां से क्रेडिट हुआ, जिसमें GST भी कटता है, और समय तो GST कटता भी नहीं है, तो है ना, अब पता नहीं, और सब तो है ही नहीं, आप समझ ही सकते हैं। तो यही है, तो आप लोग जिसको ज़रूरत होगा, अभी हम टेलीग्राम ग्रुप में एक ग्रुप बना देते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये आपका पैसा है, ये सब कोई नौटंकी और मार्केटिंग वगैरह का ट्रिक्स नहीं है यार, इस तरह का हरकत हम लोग करते भी नहीं है, एकदम आपका पैसा, 2 मिनट के अंदर ले लीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए, जो भी नीडी आदमी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए, बहुत शुभकामनाएं, साइनिंग ऑफ, रोहित।